Hey guys, welcome back to Sunny Vlogger. Hope you guys are doing absolutely great. तो आज है day 3. आज आए हैं हम कुछ नाश्ता उश्ता करते हैं जो यहाँ पे बहुत फेमस था. ये है जगदीश टेम्पल, ठीक है. जगदीश टेम्पल यहाँ पे बहुत फेमस है उदयपुर में. उसी के सामने एक कचौड़ी वाला है. यहाँ पे कहते हैं इसकी कचौड़ी मतलब वर्ल्ड फेमस है. भी लग नहीं रही पर देखते हैं, ट्राई करते हैं अभी कैसी है. और इसके बाद हमारा प्लान है अलसीगढ़ जाने का. वो भी एक ऐसी रायता हिल जैसी जगह है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है. आज मैंने ये बुलेट हायर कर लिया. ये हमारा आर एन जी पैक, ये बल्ली, ये राहुल देवास और ये हमारी आज की बाइक. बस आज बाइक चलाने का मूड था तो आज बाइक चलाएंगे. कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा. सही रहे, ठीक है. और आप कचौड़ी खाते हैं, ठीक है. कचौड़ी की आपको वीडियो बता दो कैसी है. तो ये है दही वाली कचौड़ी जो यहाँ पे वर्ल्ड फेमस कहते हैं. तो इसको ट्राई करते हैं हम. इसके अंदर फिलिंग्स क्या है, आलू और दाल, समथिंग पता नहीं क्या है. रियली यार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है. थोड़ी दही दही गिर रही है. बहुत बढ़िया, मजा आ गया काफी. तो ये जो कचौड़ी आपको दिखाई है ना, ये पूरा जगदीश टेम्पल है. यहाँ पे बिल्कुल उसके सामने वाली रोड पे ये शॉप है जगदीश ली रेस्टोरेंट के नाम से. बहुत ही औसम कचौड़ी थी यार. मतलब इसका प्राइस सिर्फ 12 रुपए है. इतनी बड़ी कचौड़ी का, भरी हुई कचौड़ी का 12 रुपए प्राइस. बस मैं नहीं मानता, मतलब कहाँ मिलेगी दिल्ली में ऐसी 12 रुपए में कचौड़ी. और यहाँ मतलब बैठने की जगह नहीं है, हम ऐसी जमीन पे सारे बैठे हुए हैं. ऐसी जमीन पे सारे बैठे हुए खा रहे हैं आराम से. थोड़ा सा स्टेप बना हुआ है बस. अब यही है, अब हम देखते हैं बाइक लेके घूमेंगे. थोड़ी बहुत बाइक के शॉर्ट्स आएंगे अब तो. इंस्टाग्राम पे फॉलो करना और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में. शोर बहुत है यार यहाँ पे ना थोड़ा, इसलिए. वहाँ से और हम अब अलसीगढ़ पहुँच चुके हैं. मतलब बहुत लंबा रास्ता था बाइक पे क्योंकि ज़्यादा लग रहा था. अब ये अलसीगढ़ देखो, ये भी कितना खूबसूरत है यार. कल वाली आप वीडियो अगर रायता वाली देखी होगी, रायता ज़्यादा मैं कह सकता हूँ, रायता बहुत ज़्यादा अलग खूबसूरत है लेकिन ये भी उससे कम नहीं है. वो देखो सामने लेक है, उसमें दिखेगी नहीं गोप्रो में. अब हम बाइक से उधर जाएंगे, मतलब बाइक स्कूटी से. बस ये अभी थोड़ा बहुत ऊपर चढ़े थे तो सांस फूल गई और गोप्रो की बैटरी भी ख़त्म होने वाली है. मेरे को उसको चार्जिंग में लगाना पड़ेगा. देखो यार मतलब ऐसा लगता है रावली हिल्स कितनी सुंदर है यार. मतलब लोनावला पुणे ऐसा लगता है आप इस साइड में आ रखे हो. बस अब फोटो अगर क्लिक करिए, अब क्लाउड देख रहे हो. अब इतना प्यारा वेदर है ना यहाँ पे, हल्की हल्की छोटी छोटी बारिश हो रही है. और एक मेरा कोई शॉट आया है इनमें, जब मैं बाइक राइड करके आ रहा हूँ बोले और ऊपर से जैसे सस्ता कबीर सिंह लग रहा हूँ, पूरा सस्ता कबीर सिंह. तो बस उसको इंस्टाग्राम पर डालूंगा ज़रूर, आप ज़रूर देखना. इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में. हाँ आज थोड़ा मेरा ट्राईपॉड टूटा हुआ है तो मैं विदाउट ट्राईपॉड ही शूट कर रहा हूँ. आवाज़ तो आ रही है, कल मैंने अपनी ये देखी थी हवा वाली में, आवाज़ प्रॉपर आ रही है. और थैंक्स मीर फाक इस माइक के लिए. मतलब माइक नहीं, मैंने खुद ही खरीदा, कोलैबोरेशन थोड़ी ना. मतलब बहुत अच्छे माइक है इसके, ठीक है. तो आप इस व्यू को इन्जॉय कर रहा हूँ. ये सारे देखो शॉट्स लेंगे, मैं इन्जॉय करूँगा. बस यही ज़िंदगी जन्नत है. वाह क्या सीन है, रिलैक्स हो गया एकदम, माइंड ना एकदम फ्रेश, मजा आ गया. तो देख रहे हो आप व्यू, ये लेक है अलसीगढ़ की. हाँ मतलब रास्ता बहुत ऐसा ही है. देखो ये थोड़ा बहुत ऐसा रास्ता था, बुलेट आराम से चढ़ गई, स्कूटियों में थोड़ी दिक्कत आई है लेकिन ये व्यू के लिए कुछ भी. मजा आ गया इस व्यू को देख के, मतलब क्या बोलूँ, जन्नत. इसके बाद अब मैं व्लॉग अभी अब वापस जाके करूँगा क्योंकि अब हमने स्टील बोर्ड फोटोग्राफी करके और मैं थोड़े बहुत इन्जॉय कर लूँ. तो बस आपको नीचे मिलते हैं.
वापस उदयपुर में। चलो ठीक है। तो गाइस ये जगह आपने कभी नहीं देखी होगी, ठीक है, उदयपुर में जहाँ हम आए हैं। ये देखो सिर्फ यहाँ बारह, ये एक पीछे से नदी बह रही है बहुत चौड़ी चौड़ी सी, और ये छोटा सा एक वाटरफॉल था यहाँ पे, तो हम यहाँ पे रुक गए। देखो मजेदार एकदम, सब छप 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 कर रहे हैं, मजा आ रहा है, ठंडा पानी है और डर भी लग रहा है। तो बस यही दिखाना था आपको, बाकी नीचे जाके तो दिखाना ही है। और हाँ, ये प्लेस भी बहुत खूबसूरत है। अब इसके बाद फिर से हम रायता जाएंगे जहाँ हम कल गए थे, क्योंकि वहीं से इसका वे है। बस हम नीचे जाके देखते हैं क्या करना है। इसके बाद हमने स्टील बोर्ड फोटोग्राफी करनी है, और उसके बाद घर जाने में तो बहुत समय लगने वाला है, कितना ही आज का दिन। तो गाइस हम लोग नीचे आ चुके थे, अब हम लोग ये स्वरूप सागर समथिंग लेके यहाँ पे आए हैं, और हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि हमें स्टील बोर्ड फोटोग्राफी करनी है। स्टील बोर्ड फोटोग्राफी होती है जो मेरी इंस्टाग्राम पे देख लेना यार, आज ना बहुत ज़्यादा थक गए, इतना ज़्यादा थकावट से हो रही है बाइक चला चला के, मतलब बहुत ज़्यादा चलाई हमने बाइक, मैंने बाइक चलाई। हाँ, तो बस स्टील बोर्ड फोटोग्राफी होता है जिसमें एक ना स्टील बूल होती है ना, उसमें आग लगाते हैं, वो ऐसे घुमाते हैं तो उसकी पूरी रेज आती हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखना थोड़ी सी नीचे, और होप सो ये आज के शॉर्ट्स में डाल दूँ जल्दी। तो बस ये करेंगे और इसके बाद हॉस्टल जाएंगे, फिर सोएंगे, और कल हमें निकलना भी है, लेकिन हमारी रात को बस है, कल रात की बस है, तो कल देखते हैं। कल हमारा यही प्लान है कि हम थोड़ा रेस्ट करेंगे और हॉस्टल में ही चल आउट करेंगे। तो हाँ, अगर आपको व्लॉग अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, उससे भी ज़्यादा अच्छी लगी तो शेयर कर देना। इट्स अ बॉय संकी ब्लॉगर, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट, बाय बाय। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना, प्लीज मत देख, अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है।